अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन नहीं किया तो प्लीज़ ऑन करिएगा, इससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रैश के बारे में। फ्रेंड्स, आपने कई सारे स्मार्टफोन में डिलीट की जगह ट्रैश फीचर को देखा होगा, तो फ्रेंड्स ये ट्रैश फीचर क्या है आज हम इसी के ऊपर बात करने वाला है और एक किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी फ़ोटोज़ वगैरह को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती और वहाँ पे लिख के आ जाता है मूव टू ट्रैश। तो ट्रैश क्या है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, एक तरीका का रिसाइकल बिन है, जैसे कि हमें लैपटॉप या कंप्यूटर पर रिसाइकल बिन देखने को मिलता है। और चलिए मैं आपको एक फ़ोटो लेकर उसको डिलीट कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से। यहाँ पे मैंने कैमरे को ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक फ़ोटो को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने लिख के आ गया है मूव टू ट्रैश। यहाँ पे डिलीट का फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ये फाइल हमारी कहाँ पे चली गई है, ये आपको गूगल फ़ोटोज़ में जाना है, आपकी जो गूगल की फ़ोटोज़ होती है उस पर आपको जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद, चलिए मैं गूगल फ़ोटोज़ में जाता हूँ। फ़ोटोज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है राइट लेफ़्ट साइड में और यहाँ पे ट्रैश का आपको एक फ़ीचर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी, फ़ोटोज़ जितनी भी आपने डिलीट की थी मूव टू ट्रैश हुई थी वो। और इस तरीके से आप यहाँ पे रिस्टोर और डिलीट दोनों कर सकते हैं। जब आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, बट अगर आप यहां से डिलीट नहीं करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।